हाय, मैं हूँ सीमा। मैं आप सभी का स्वाद अनुसार पे स्वागत करती हूँ। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, घर में इंग्रेडिएंट्स कम है, पर फिर भी आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पौष्टिक रेसिपी शेयर करूँगी और वो है स्प्राउट्स भेल। तो चलिए बनाते हैं स्प्राउट्स भेल। ये ली है मैंने एक कटोरी हरी मूंग, जिसे मैंने रात को भिगो के रख दिया था। दूसरे दिन इसे एक कपड़े में बांध के रख देते हैं जब तक दाल अच्छी तरह स्प्राउट नहीं हो जाए। आप देख सकते हैं कि दाल अच्छी तरह स्प्राउट हो चुकी है। अब इसे एक कटोरी में डालते हैं। इस हरी मूंग की दाल को मैंने गर्म पानी में भिगा के रखा था 5 मिनट के लिए। आप इसे कच्चा भी बना सकते हैं और आप इसे उबाल भी सकते हैं, चॉइस आपकी है। पर मैंने इसे सिर्फ गर्म पानी में डाल के निकाल लिया है 5 मिनट के बाद। अब इसमें डालेंगे कॉर्न। कॉर्न को भी मैंने 5 मिनट उबाल के निकाल लिया है। अब इसमें जाएगा एक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। फिर डालेंगे एक ककड़ी कटी हुई बारीक। बारीक कटी हुई एक गाजर। बारीक कटा हुआ 2 टमाटर। टमाटर का आप अंदर से बीज निकाल दें। एक बारीक शिमला मिर्ची। और अब डालेंगे इसमें हम अपने मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार 1 चम्मच के करीब। काली मिर्ची 1 चम्मच। गर्मियों का मौसम है, वैसे भी किसी को खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो ये बहुत ही पौष्टिक है, न्यूट्रिशियस है और फुलफिलिंग है। अब डालेंगे जीरा पाउडर 1 चम्मच। थोड़ा सा आमचूर पाउडर। थोड़ा सा काला नमक। नमक हम ऑलरेडी डाल भी चुके हैं। 2 कटी हुई हरी मिर्चें। ये रही हरे प्याज की भूंजे। इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। और आखिर में जाएगा इसमें नींबू का रस। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो ये कितना ही ज़्यादा कलरफुल बना है। इसमें आप बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हो। जैसे ये तो बना है हेल्दी सैलेड, जो डाइटिंग वाले बहुत खाते हैं, पर इसी को आप थोड़ा और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। इसमें आप डाल सकते हैं भेल की पापड़ी, उसके ऊपर आप दही डाल सकते हैं, उसके ऊपर आप सेब डाल सकते हैं, इसमें आप इमली की चटनी डाल सकते हैं। ये रही हमारी स्प्राउट भेल एकदम तैयार। इसे ज़रूर बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार।